नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार गुजरात पहुंचे। उन्होंने गुजरात के दीसा में दूध डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि इस धरती की संतान के रूप में आया हूँ। किसानों की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि यहाँ के किसान बेहद विपरीत परिस्थितियों में खेती करते रहे हैं। बनासकांठा में किसानों ने रेगिस्तान से सोना उपजाया है। यहाँ के किसानों ने प्रगतिशील किसान के रूप में छवि बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात में खेतों में दूध के साथ साथ मधु का भी उत्पादन होगा। संसद के ना चलने पर भी मोदी ने सफाई देते हुए कहा कि विपक्ष संसद में सत्र नहीं चलने दे रहा है। सरकार बहस के लिए तैयार है, मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए मैं जनसभा में बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि राष्ट्रपति संसद नहीं चलने से दुखी हैं, मैं देश के ईमानदार लोगों के साथ खड़ा हूँ। नोटबंदी पर चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि 8 तारीख के पहले 100 के नोटों और 50 के नोटों की कोई कीमत नहीं थी। सब 1000 और 500 रुपए के नोट पूछते थे, पर आज छोटे नोटों की कीमत बढ़ गई है, यानी अब देश में छोटे लोगों की इज्जत होगी। आतंकवाद पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है। जाली नोट की वजह से आतंकवादियों को ताकत मिलती है। देश में 70 साल तक ईमानदार लोगों को परेशान किया गया। नोटबंदी के फैसले पर मेरे खिलाफ भड़काया भी गया, लेकिन मेरे देश के ईमानदार लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पिछले 6 महीने में मोदी 5वीं बार अपने गृह राज्य का दौरा कर चुके हैं। 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में मोदी के दौरों को चुनावी रणनीति के तहत देखा जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।